हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं कितना प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ अपनी बहनों को बताने के लिए। बहुत ही सुंदर लगेगा। वैसे सेम डिज़ाइन मिलते जुलते कई तरह से होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग डिफरेंट है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। आपने दूसरे तरीके से भी डाला होगा, लेकिन इसका अलग तरीका है डालने का। और ये आप बच्चों की फ्रॉक में या स्कर्ट में, या अगर आपको डालना है तो आप अपने स्वेटर में भी, कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, थोड़ा भी डाल सकते हैं, जैसे इतना बॉर्डर के तौर पे या पूरे स्वेटर में। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप इसको डाल सकते हैं, और आसान भी बहुत है। तो मैं आपको इसको डालकर दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसका बॉर्डर बना रखा है। ये देखिए, ये मैंने 43 फंदे लिए हुए हैं छोटा सा पैटर्न बनाने के लिए। तो मैं इसमें आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये मैंने बॉर्डर बना के सीधी साइड से हमने दूसरा कलर लगाना है। तो हमने ये सीधा सीधा बनाना है, सीधी साइड है ये, तो हमने सीधा सीधा बुनना है इधर से, इस तरह से। इधर से सीधा और इधर से उल्टा। तो इस तरह हमने चार सिलाइयाँ बनानी हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चार सिलाइयाँ बना ली हैं, दो उल्टी और दो सीधी, इधर से उल्टी और इधर से सीधी। तो अब आगे देखिए क्या करना है। पहला फंदा आप बुन लीजिए या स्लिप कर लीजिए, उसके बाद हमने दो का एक करना है। फिर आगे धागा करके जाली डालनी है, एक फंदा सीधा, फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा। तो इस तरह हमने छह जालियां डालनी हैं। तो हमारी ये दो हो गई हैं, एक दो तीन चार पाँच। अब हम छठी जब जाली डालेंगे तो आगे धागा करके हमने यहाँ पर तीन का एक करना है, इस तरह से। तो आगे धागा करके, जिससे कि यहाँ पर हमारी जाली भी पड़ जाएगी, बन यानी कि फंदा फट जाएगा। और फिर इसको हमने इस तरह से तीन का एक करना है। उसके बाद फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा। फिर यहाँ पर हम छह जालियाँ डालेंगे, एक हो गई, दो तीन चार पाँच और छः, यानी कि जब छठी हम जाली डालेंगे तो तीन का एक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिए वीडियो, आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। आप एक सिलाई देखकर वीडियो को मत समझिए, पूरा वीडियो देखिए आप। फिर आगे धागा करके फिर छह जाली, एक दो तीन चार पाँच और छठी, तीन का एक करते हुए, इस तरह से। फिर आगे धागा करके छह जालियाँ, एक दो तीन चार पाँच, फिर आगे धागा करके तीन का एक, फिर आगे धागा करके एक फंदा सीधा, यानी कि छह जालियाँ, एक दो तीन चार
पाँच छ, ये छठी जाली है हमारी। तो यहाँ पर हमने दो का एक करना है। इधर भी हमने दो का एक किया था और इधर भी दो का एक करना है। लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लिया। तो देखिए आपको आगे समझ में आएगा, फिर मैं बता देती हूँ। दो का एक इधर किया, दो का एक इधर किया, यानी कि दो फंदे हमारे घट गए। तो अब यहाँ पर देखिए चार बार हमने तीन का एक किया है, एक दो तीन चार, और फंदे कितनी जगह बढ़े हैं, पांच जगह, एक दो तीन चार पांच। तो जो दो का एक हमने किया है इधर और इधर, तो ये पांचवा हो गया हमारा। जैसे यहाँ पर तीन का एक किया है, यहाँ पर दो का एक किया है और इधर भी। अब उल्टी सिलाई में क्या करना है, उल्टी साइड से हमने सभी फंदे सीधे बनाने हैं इस तरह से। जो हमने बढ़ाए हैं वो भी, और जो हमने सीधे बुने हैं वो भी, सभी फंदे इधर से सीधे बनाने हैं। ये हो गई हमारी छठी सिलाई। पांचवी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे, छठी में हमने ये उल्टा उल्टा, इधर उल्टा आना चाहिए और इधर से हमने सीधा सीधा बनाना है। छह सिलाई की ही बुनाई आई है, लेकिन आगे आपने क्या करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि अभी हमने जो चार सिलाइयाँ बनाई थी शुरू में, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो इसमें हमने फंदे नहीं घटाए थे। तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको जब दूसरा कलर लगाऊंगी। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊंगे, मतलब इधर से सीधी और इधर से उल्टी आएगी। उल्टी साइड से हमने सीधा सीधा बनाना है। ये देखिए हमने रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई सीधी सीधी बना ली है। तो देखिए इधर हमारी गांठ वाली लाइन आई हुई है। अब देखिए दूसरा कलर जब हम लगाएंगे तो दूसरे कलर की पहली सिलाई कैसे बनानी है। ये हो गया हमारा पहला फंदा जो हम स्लिप भी कर सकते हैं और बुन भी सकते हैं। उसके बाद दो फंदे हमने एक साथ घटाने, यानी कि दो का एक करना है, जो हमने यहाँ पर किया था बुनाई के साथ। चार सिलाइयों में नहीं किया था जब हमने ये दो सीधी दो उल्टी बनाई थी, तो यहाँ पर हमने नहीं किया था। अब आगे आपको हर सिलाई में करना है। तो दो का एक किया, बाकी नौ फंदे सीधे बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ये देखिए इसके बाद ये है हमारा फंदा जो हमने तीन का एक किया था। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर ही तीन का एक करना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से बाकी सभी फंदे हमने सीधे सीधे बनाए हैं। यहाँ पर दो का एक किया, यहाँ पर तीन का एक किया, फिर नौ फंदे सीधे बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इसके बाद फिर तीन का एक, ये देखिए इस तरह से, ऐसे फिर नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच, वहीं पर घटाने हैं जहां हमने इस पर इस सिलाई पर घटाए थे जब बुनाई डालते समय, जाली डालते समय, तो उसी फंदे को हमने लेना है। पाँच छः सात आठ नौ,
ये देखिए इस फंदे पर हमने तीन का एक किया था, तो एक फंदा इधर से लूँगी, एक फंदा इधर से, और फिर तीन का एक करूँगी। ये देखिए फिर नौ फंदे सीधे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर तीन का एक, फिर नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब यहाँ पर हमने दो का एक करना है, इस तरह से लास्ट का फंदा सीधा बना लूँगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊँगे। अब देखिए सीधी दूसरी सिलाई में भी हमने ऐसे ही बनाना है जैसे पहली सिलाई में बनाया था। तो उल्टी सिलाई हमने पूरी बना ली है, अब सीधी सिलाई में दो का एक, उसके बाद सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब यहाँ पर हम फिर तीन का एक करेंगे, फिर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर तीन का एक, फिर सात फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर यहाँ पर तीन का एक। फिर सात फंदे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर तीन का एक, फिर सात फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर यहाँ पर दो का एक। तो ये हमें हर सिलाई में ही करना है, इधर दो का एक, इधर दो का एक, और बीच में तीन का एक, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए वाइट की भी चार सिलाइयाँ हो गई हैं, दो सीधी दो उल्टी। तो दो सीधी की वो उसमें हमने यहाँ पर फंदे घटाए हैं, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब देखिए पांचवी सिलाई में फिर हमने ये जाली डालनी है, तो एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद दो का एक, फिर आगे धागा करके जाली। तो इस तरह छह जालियां डालूंगी, एक दो तीन चार पाँच, और फिर तीन का एक करते हुए छठी जाली। ये देखिए इस तरह से, फिर आगे धागा करके एक जाली, दो तीन चार पाँच, आगे धागा किया और तीन का एक कर दिया सीधा बुनते हुए, तो यहाँ पर हमारी छठी जाली पड़ जाती है। उसके बाद
इसी तरह रिपीट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर तीन का एक किया, छठी जाली पड़ गई यहाँ पर। फिर इसी तरह आगे भी बनाऊंगी। तो देखिए ये हमने हर सिलाई पर ये फंदे घटाने हैं, लेकिन ये जो चार सिलाइयाँ शुरू की थी हमने, यहाँ पर हमने एक भी फंदा नहीं घटाया, सिर्फ एक बार हमने यहाँ पर घटाया है जब जाली डाली थी। बाकी ये दो सिलाइयाँ सीधी और दो उल्टी बनाई हैं, तो इसमें हमने नहीं घटाया एक भी फंदा। तो इस तरह से हमारी बुनाई पड़ेगी। फिर देखिए, सॉरी यहाँ पर जाली नहीं डाली। एक दो तीन चार पाँच और एक छः, दो का एक करते हुए लास्ट का फंदा सीधा बुन लूँगे। अब देखिए रॉन्ग साइड से हमने सभी फंदे सीधे बनाने हैं, जिससे कि हमारा सीधी तरफ गांठ वाली लाइन आएगी, उल्टे उल्टे आएंगे। ये देखें, ये हमारी छठी सिलाई। पांचवी सिलाई में जाली पड़ती है और छठी में हमने इस तरह से इधर से सीधा सीधा बनाना है। देखिए इस सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इधर से मैं एक बार फिर आपको दूसरा कलर लगाकर दिखाती हूँ। पहला फंदा सीधा बुन लिया, उसके बाद दो का एक किया, फिर नौ फंदे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये आ रहा है तीन का एक, तो यहाँ पर हम तीन का एक करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इसी तरह सिलाई को कंप्लीट करेंगे। नौ फंदे सीधे, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं।
इसी तरह हमें आगे बार बार रिपीट करना है। तो देखिए, अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।